कानपुर देहात इलाके में एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी गर्दन में चोट आई है। इस छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका। इसके बाद टीचर का गुस्सा भड़क उठा। तस्वीरों में दिख रहे इस छात्र को बैग से किताब ना निकालने पर उसके टीचर ने इतना पीटा कि उसकी गर्दन पर चोट के निशान बन गए। बताया गया कि छात्र ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था और टीचर ने जब होमवर्क के लिए किताब मांगी तो उसमें छात्र को देरी हो गई, जिसके बाद टीचर भड़क गए और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कोर्स दिखा। हाँ। फिर निकाली तो कॉपी। हाँ। दूसरे दिन गए तो कोर्स पूरा नहीं था। हाँ। इसलिए मार बताया डॉक्टर से कि मतलब मास्टर ने हमको डंडे यहाँ मार दिए हैं गर्दन पे। जी तो मतलब ये बेहोश हो गया था सर, तब मैं जान पाया। और जब मैं स्कूल गया तो प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने के लिए तो टीचर बुलाया गया, तो टीचर ने कहा कि जो तुम्हें करना हो कर लीजिए जाके। पूरे मामले में जब आरोपी शिक्षक बलराम से बात की गई तो उन्होंने पिटाई करने की बात तो मानी लेकिन डंडे से नहीं छड़ी से। जो खबर मिली एक गार्जियन आए हुए, उन्होंने आरोप लगाया, साहब को बताया कि आपके द्वारा उस बच्चे को मारा गया और इस तरह से मारा गया कि गर्दन में चोट आई। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे द्वारा पतली छड़ी से, मैं नहीं कहता कि मैं मारता नहीं, कोई भी अध्यापक पतली छड़ी से दो चार छड़ी में लगाता हूँ। मामले के बारे में जब जिला विद्यालय निरीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। अभिभावक ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, न इस तरह की जानकारी अभी हम तक पहुंची है। और अभी ऐसा है, हम अभी जाँच कराएंगे, जाँच कराने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार, बच्चे के साथ किसी ऐसा व्यवहार जो नैतिकता में नहीं आता है वो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं हुआ। छात्र के परिवार का आरोप है कि जब पिटाई की बात स्कूल के प्रिंसिपल से की गई तो वो मामले को दबाने में जुट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।